खबर राजधानी से है, जहां मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजना का शिलान्यास यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने किया। धारीवाल ने सरकारी आवास से इस योजना की पट्टिका का शिलान्यास किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि योजना में 576 फ्लैट और मकान बनाए गए हैं, जिसके लिए 750 लोगों ने आवेदन किया है। कोरोना और लॉकडाउन में भी लोगों ने बड़ी संख्या में आवेदन किए। वहीं धारीवाल की ओर से एक नई योजना भी लॉन्च की गई, जिसके माध्यम से मकानों की बिक्री की जाएगी। मकान खरीदने वाले लोग केवल 10% राशि जमा कराकर गृह प्रवेश कर सकेंगे और शेष राशि 13 साल में चुकाने की छूट दी जाएगी। शिलान्यास के दौरान विधायक गंगा देवी बैरवा, आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा सहित विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आवासन मंडल के द्वारा जिस योजना का शिलान्यास आज किया गया है, वो योजना दिसंबर में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, जिसकी 2019 में दिसंबर में, और उसको इतना जल्दी इतने कम टाइम में हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। प्रहरी और शिक्षक योजना के लिए करीब करीब 750 फ्लैट्स और मकान बनाए गए हैं, और वे ये आवेदन इतने ज्यादा आ गए, अब ये मुसीबत हो गई कि किस प्रकार से इसको बांटा जाए, दिया जाए। उस योजना में काफी कुछ प्रोग्रेस हुई है। हाउसिंग बोर्ड ने, ये वही हाउसिंग बोर्ड है जिसको कि पिछली सरकार बंद करना चाहती थी, और आज इसी हाउसिंग बोर्ड ने गौरव प्राप्त किया है। 4 महीने के अंदर 3600 मकान बेचे। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने इस योजना की घोषणा की थी, 20 दिसंबर को वो हाउसिंग बोर्ड प्रांगण में पधारे थे, और इतने कम समय में हमने इसको मूर्त रूप दिया है। आज हम इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। इस अवसर पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं हमें भेजी है, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय, गंगा देवी जी स्थानीय विधायक है, आप भी इस कार्यक्रम में आए, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुख्य तौर पर ये जो शिक्षक आवासीय योजना और प्रहरी आवासीय योजना, इसमें 576 फ्लैट बनने हैं। आवेदन हमें 700 से अधिक आए हैं, लेकिन हम उसको लॉटरी निकाल करके बी लिस्ट बना देंगे। जो लोग अभी इसमें नहीं आ पाएंगे उनको या तो हम किसी दूसरे जगह देंगे, और वो हम उनको लेकिन निराश नहीं करेंगे। नंबर वन। नंबर दो, इस प्रोजेक्ट को हम कोशिश करेंगे 2 साल में हम पूरा कर पाए। नंबर तीन, इस प्रोजेक्ट में हम अत्याधुनिक सुविधाएं देंगे, ऐसी सुविधाएं जो एक मध्यम वर्ग का परिवार आमतौर पर नहीं सोचता है। स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, सामुदायिक केंद्र है, साइकिलिंग ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक है, ये सब सुविधाएं भी उसमें होंगी।